डब्ल्यू पहली बॉल लेकर सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर पहली बॉल पर चौका उफरान के बल्ले से निकलने वाला ये पहला चौका। एक बार फिर डब्लू बॉल करेंगे उफरान को और फिर उठाकर मारा है एक और खूबसूरत शॉट सीधा बाउंड्री के बाहर चार रन लगातार। पिछले मैच में जो उफरान ने यहाँ पर इसी जगह पर तकरीबन पांच छह शॉट मारे थे शायद छक्के और चौके मारे थे। तकड़ा खेलते हैं फाइन लेग की तरह। अब दो शॉट मारे हैं दोनों उसी जगह पर मारे हैं। रणनीति थोड़ी सी आज चेंज करनी पड़ेगी डब्लू को। एक बार फिर डब्लू बॉल करेंगे गुफरान को के लिए। छोटी गेंद और छोटी बॉल घूम कर मारना चाहते थे पैड पर लगी कोई रन नहीं। एक बार फिर डब्लू बॉल करेंगे गुफरान को हल्का सा एज लगा और विकेट कीपर के हाथों में समा गया। इस तरह से गुफरान आउट होकर वापस जा रहे हैं। बड़ा विकेट निकाल दिया डब्लू ने। एक बार फिर दौड़ना शुरू किया फैसल को बॉल करेंगे और फैसल ने पहली बॉल को उठाकर मारा है क्या खूबसूरत शॉट सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर छह रन के लिए। करेंगे फैसल को फैसल तैयार है और फिर उठाकर मारा है लेग साइड तरफ एक और जबरदस्त शॉट और ये भी छक्का। एक ओवर की समाप्ति पर अमरपुर का स्कोर है 20 रन एक विकेट के नुकसान पर। निशान बॉल करेंगे फैसल को क्या खूबसूरत शॉट फील्डर मौजूद मगर नहीं रोक पाएंगे सीधा बाउंडरी लाइन के बाहर पूरे 6 रन के लिए फैसल को एक बार फिर वही शॉट और वही जबरदस्त शॉट एक और छक्का क्या प्रदर्शन करेंगे फैसल और एक और खूबसूरत शॉट और ये भी छक्का क्या निशान। एक बार फिर बॉल करेंगे फैसल को और फिर उठा के मारा है एक और लंबा ऊंचा छक्का आमिर बॉल करेंगे फैसल को और उठा कर मारा है फैसल ने बहुत ही लाजवाब शॉट। अगली बॉल एक बार ओ कैच ड्रॉप कर दिया क्या बहन बॉल का सामना करने के लिए और कैच ड्रॉप कर दिया शायद मगर फील्डर मौजूद है वहां पर कोई रन नहीं। आतिशबाजी हो रही है फुल तरह से एक बॉल लाजवाब शॉट और ये भी छक्का। एक बार फिर आमिर बॉल करेंगे फैसल को और एक बार फिर उठाकर मारा है देखना यह क्या होता है ये शायद ये भी बाउंड्री हो जाए नहीं वहां फील्डर मौजूद एक ही रन मिलेगा। तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 65 रन आतिशबाजी देखने को मिली है अमरपुर के बल्लेबाजों की तरफ से। नए बल्ले बॉलर आए हैं नाम क्या भाई इनका माजिद आए हैं नए बॉलर देखना यह है फैसल किस तरह की बैटिंग करते हैं माजिद के खिलाफ। पहली बॉल को हल्का सा नहीं किया सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया चार रन के लिए। तो देखना यह है जिस तरह की बल्लेबाजी फैसल कर रहे हैं अगर इसी तरह की बैटिंग फैसल एंड तक करते रहे तो स्कोर कहां जाएगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। करेंगे आसिम को आसिम ने हल्का सा खेला और दोनों ही बल्लेबाजों ने भागकर एक रन पूरा कर लिया एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। पांच ओवर की समाप्ति पर अमरपुर का स्कोर है 94 रन चार विकेट के नुकसान पर। अच्छे तीन ओवरों में देखना यह है कि अमरपुर किस तरह स्कोर बना पाते हैं। शिमाल एक बार फिर बॉल करने के लिए आए हैं सामना करेंगे अमरपुर के कप्तान आसिम। आसिम ने बेहतरीन शॉट खेला फील्डर मौजूद है वहां पर एक रन ही दोनों बल्लेबाजों ने एक रन एक और रन चुरा लिया। इन दो रनों के साथ में अमरपुर का बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच गया है 95 रन। शिमाल बॉल करेंगे आसिम को ओ आसिम ने हल्का सा खेला हुआ फील्डर मौजूद नहीं है दोनों बल्लेबाजों ने भागकर एक रन पूरा कर लिया दूसरे रन के लिए जा रहे हैं दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे और दो रन मुकम्मल कर लिए। इन दो रनों के साथ में बढ़ता हुआ स्कोर 97 रन चार विकेट के नुकसान पर। पारी का छठा ओवर चलता हुआ शिमाल एक बार फिर बॉल करेंगे आसिम को
और क्या खूबसूरत शॉट मारा फील्डर है वहां पर, देखना यह है क्या होता है। और आउट, एक और विकेट जाता हुआ अमरपुर का आसिम के रूप में। आसिम आउट होकर वापस जा रहे हैं। 97 रन के स्कोर पर अमरपुर का 5वां विकेट आउट हुआ है। घूमकर मारना चाहते थे, बॉल और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। 6 ओवर की समाप्ति पर अमरपुर का स्कोर है 96 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आमिर आए हैं बॉल करने के लिए रुहान को, और रुहान मारना चाहते थे, बल्ले पर सही तरह से नहीं आई। दोनों ही बल्लेबाजों ने भागकर एक रन पूरा कर लिया। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा। आमिर बॉल करेंगे फसाहत को, और फसाहत ने उठाकर मारा, फील्डर मौजूद वहां पर, और आउट। एक और विकेट जाता हुआ इस तरह से, फसाहत आउट होकर वापस जाते हुए, और एक और खूबसूरत शॉट, फील्डर है वहां पर, देखना यह नहीं रोक पाएंगे, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। एक और खूबसूरत शॉट और 4 रन, तो 2 बॉलों पर 10 रन बना दिए हैं शहजाद ने। क्या जबरदस्त शॉट मारे हैं दोनों ही शहजाद ने। शहजाद सामना करेंगे ओवर की अगली बॉल का। शॉट टफ लेंथ गेंद, और कप्तान के ऊपर से निकाल दिया है, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। ऐसा लग रहा है ये भी चौका होगा, मगर वहां फील्डर मौजूद। जब तक फील्ड करें, दोनों ही बल्लेबाजों ने भागकर 2 रन पूरे कर लिए, 2 रन ही संतुष्ट करने पड़े। बॉल करेंगे शहजाद को, आउट। एक और विकेट गिरता हुआ स्टंप कर दिया शहजाद को, या शहजाद आउट होकर वापस जा रहे हैं। रुहान ने पहली बॉल को हल्का सा खेला और सिंगल रन चुरा लिया, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, दूसरे रन भी पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाज, और 2 रन पूरे कर लिए। 111 रन है स्कोर अमरपुर का। रुहान मारना चाहते थे, बॉल और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, सीधी विकेट के पीछे गई, कोई रन नहीं। जीशान बॉल करेंगे रुहान को, चले एक बार फिर, और अच्छा शॉट रुहान के बल्ले से निकलने वाला, पहला चौका। इस चौके के साथ में अमरपुर का स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ, लास्ट ओवर चलता हुआ ये पारी का। देखना यह है कि बाकी बची बॉलों में रुहान किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। सिर्फ 3 बॉलों का खेल बाकी बचा है। एक और खूबसूरत शॉट, और देखना यह है क्या होता है, एक और चौका। अब आहिस्ता आहिस्ता रुहान अपने बल्ले का रंग दिखाना शुरू किया है रुहान ने। सिर्फ 2 बॉलों का खेल बचा है, क्योंकि 8-8 ओवर का खेल है ये। लास्ट ओवर में भी निशान चले हैं 5वीं बार, बेहतरीन 2 बैक टू बैक कवर के ऊपर से लगाए हैं चौके बल्लेबाज ने। एक और खूबसूरत शॉट, और ये बाउंड्री लाइन के बाहर छक्का, रुहान के बल्ले से निकलने वाला ये पहला छक्का, और लगातार तीसरी बाउंड्री। 125 रन बना लिए हैं अमरपुर। लास्ट बॉल फेंकेंगे और सामना करेंगे रुहान, और डॉट बॉल हो गई। तो अमरपुर ने 8 ओवर की समाप्ति पर 125 रन बनाए हैं, 126 रन चाहिए जीतने के लिए बसी को। एक ही मिनट में अपनी फील्डिंग लगा ले, एक ही मिनट में अमरपुर अच्छे खासी बैटिंग की है रोहन ने। हमारी तरफ आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं।